6GB तक की रैम, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 6000mAh का बड़ा सा बैटरा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 4 बेस्ट फोन्स अंडर 10 to 11,000। वैसे आपको बता दूं कि यार इस बजट में अभी तक कोई खास नए स्मार्टफोन्स तो लॉन्च नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी हमने पिक किए हैं 4 अलग अलग कैटेगरी के फ़ोन्स जो कि दोस्तों डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हमने यहाँ पर सभी स्मार्टफोन के प्रोज और कॉन्स को भी ऐड कर दिया है, जिससे आप अपने लिए परफेक्ट फ़ोन यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि हमने सभी स्मार्टफोन को ओवरऑल फीचर वाइज रैंक किया हुआ है। तो बात कर लेते हैं नंबर 4 की। दोस्तों इस पोजीशन पर हमने रखा हुआ है इस बजट का एक पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन, जहां पर आपको अच्छे कैमरास और लंबी चलने वाली बैटरी मिल जाती है। दोस्तों ये फ़ोन है यहां पर Realme का Narzo 50A। आपको क्या कुछ नया दिया गया है, तो दोस्तों ये फ़ोन भी आपको यहां पर प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है, हालांकि ट्यूब इनलेट सर्टिफाइड है तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहां पर शिकायत नहीं आती है। रही बात डिज़ाइन की, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं कि डिज़ाइन आपको यहां पर कैसा मिलता है। फोन के कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, 3.5mm का जैक दिया गया है। फोन के अंदर आपको एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं। और हाँ दोस्तों ये फोन आता है ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। फोन के UI की बात करें तो ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 बेस्ड Realme UI 2.0 पर। हालांकि हल्के फुल्के ब्लॉटवेयर ऐप और एड अभी भी आपको मिलते हैं, लेकिन फोन की जो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, तो वहाँ पर आपको शिकायत नहीं आती। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आपको मिलता है 6.5 इंचेस की HD+ की IPS LCD पैनल के साथ में, जहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है और 570 नीट्स की आपको ब्राइटनेस दी गई, जो कि अच्छी बात है। गेमिंग वगैरह के लिए आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है, तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, उसमें आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। कैमरास की बात कर ले तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको दिया गया 50MP का, 2 का मैक्रो, 2 MP का डेप्थ सेंसर और सामने की तरफ आपको 8MP का सेल्फी स्नैपर मिलता है। ओवरऑल कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर डिसेंट मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेन कैमरा से आपको आउटपुट अच्छे मिलते हैं, तो शिकायत नहीं आने वाली है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से 30fps तक। तो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस दोस्तों फोन की अच्छी रहती है। वहीं पर अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात कर लें तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek Helio G85 चिपसेट, जो कि बना हुआ है 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर। तो डे टू डे यूजर्स में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती है, आप यहाँ पर अपने रोजमर्रा के जो काम है वो काफी आसानी से कर सकते हैं। और गेमिंग के लिए आपको लगभग 2,10,000 के आसपास के ऑनथुतु स्कोर मिलते हैं, जो कि दोस्तों इस बजट के हिसाब से अच्छे स्कोर है। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती। इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगा हुआ है 6000mAh का बैटरा, जो कि नॉर्मल यूजिंग पर आपको यहाँ पर 1.5 से 2 दिन का बैकअप दे देता है। साथ ही में फोन 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है, तो फोन का बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है। लेकिन अगर फोन के प्रोस की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको परफॉर्मेंस, कैमरा और साथ ही में बैटरी लाइफ काफी अच्छी मिलती है। तो दोस्तों अगर कॉन्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन थोड़ा सा महंगा लॉन्च किया गया था, लेकिन फिर भी इस स्मार्टफोन के अंदर हमें वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, जिससे आप यहाँ पर ऑनलाइन HD कंटेंट वगैरह स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये स्मार्टफोन अभी भी आपको एंड्रॉइड 11 पर मिलता है। 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए नॉर्मली आपको देने पड़ते हैं 11,500 रुपये, लेकिन दोस्तों अमेजोन पर आपको यहाँ पर 1,000 रुपये का कूपन ऑफ मिल रहा है, जिसे अप्लाई करने के बाद आप स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ 10,500 रुपये की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। और देखा जाए तो काफ़ी पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन है इस बजट के हिसाब से, अगर आप चाहे तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर हमने रखा है एक ऐसा फ़ोन जहां पर आपको कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड नहीं मिलते हैं, साथ ही साथ फ़ोन की जो परफॉर्मेंस निकल कर आती है वो भी काफ़ी अच्छी है। और गाइज ये फ़ोन है यहां पर मोटो की तरफ से आने वाला मोटो का E40। फोन आपको यहां पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी है और तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहां पर शिकायत नहीं आती है। रही बात डिज़ाइन की, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं कि डिज़ाइन आपको कैसा मिलता है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर ले तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं।
इस स्मार्टफोन का जो खास फीचर है दोस्तों वो है स्मार्टफोन का OS। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉइड 11 जो कि आपको नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ में मिलता है, तो कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड आपको नहीं मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आपको मिल जाता है 6.5 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD पैनल के साथ में, जहां पर आपको 400 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है और किसी चाइनीज ग्लास का प्रोटेक्शन भी आपको यहां पर मिल जाता है। रही बात रिफ्रेश रेट की, तो 90 Hz की रिफ्रेश रेट और 180 Hz की आपको यहां पर टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी यहां पर अच्छी है, डिस्प्ले से आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आती है। कैमरास की बात कर ले तो फोन के बैक साइड में लगे हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और सामने की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन का यहां पर डिसेंट है, लेकिन मेन कैमरा से आपको आउटपुट अच्छे मिलते हैं, तो वहां पर आपको शिकायत नहीं आती है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ले तो आप यहां पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से 30 FPS तक। ओवरऑल कैमरा से आपको यहां पर कोई भी खास शिकायत नहीं आती। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो फोन के अंदर लगा हुआ है यूनिसॉक की तरफ से आने वाला यूनिसॉक T700 का चिपसेट, जो कि आपको यहां पर लगभग MediaTek Helio G8085 जैसी परफॉर्मेंस दे देता है। 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, तो हीटिंग वगैरह की शिकायतें हल्की फुल्की रहती है, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलती है। डे टू डे यूजेस में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आती है और गेमिंग के लिए आपको यहां पर लगभग 2 लाख के आसपास के अंतर स्कोर मिल जाते हैं, जिसका मतलब कि आप यहां पर डिसेंट लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहां पर कोई खास शिकायत नहीं आती। पावर हाउस की बात कर ले तो फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से देती है। साथ ही में आपको यहाँ पर नॉर्मल 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो फोन का बैटरी मॉडल भी आपको यहाँ पर डिसेंट मिलता है। तो चलिए अब फोन के कुछ प्रोस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डिजाइन, परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस और इसके अलावा बैटरी बैकअप, ये सभी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो कैमरा थोड़ा सा यहाँ पर और बेहतर हो सकता था, साथ ही में आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। अगर आपको स्मार्टफोन के प्रोस पसंद आए और आप स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं, तो 4 GB RAM और 64 GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको देने होंगे 9999 रुपये। चलिए बात कर लेते हैं इस लिस्ट के सेकेंड लास्ट फोन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस बजट के अंदर एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, जहां पर आपको लंबी चलने वाली बैटरी बैकअप मिल जाए, साथ ही साथ कंटेंट वॉचिंग के लिए काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिल जाए, तो आप यहां पर देख सकते हैं रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी का 10। जानते हैं कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या कुछ दिया गया है। पहले बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फोन भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, साथ ही में TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आएगी। रही बात डिज़ाइन की दोस्तों, तो डिज़ाइन अपना अपना टेस्ट होता है, आप देख सकते हैं, हो सकता है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आए, हो सकता है कि आपको ये डिज़ाइन ना भी पसंद आए। और हाँ दोस्तों, ये फोन हल्का फुल्का यहाँ पर पानी भी झेल सकता है, जो कि इस स्मार्टफोन की एक और अच्छी बात है। रही बात फोन के कुछ अदर फीचर्स की, तो आपको यहाँ पर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल स्पीकर्स आपको फोन के अंदर मिल जाते हैं। और हाँ गाइज, ये फोन आता है ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात फोन के यूजर इंटरफेस की, तो इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड 11 बेस MIUI 13 पर। तो देखा जाए दोस्तों, तो MIUI 13 स्टेबल हो चुका है, बग फ्री हो चुका है, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, सॉफ्टवेयर से भी आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आती। सो दोस्तों ये तो हुए स्मार्टफोन के कुछ बेसिक फीचर्स। अब बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की बड़ी सी HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको यहाँ पर HD+ की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साथ ही में आपको यहाँ पर 500 nits की ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। और साथ ही में दोस्तों फोन के अंदर आपको यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप ऑनलाइन कंटेंट वगैरह भी स्ट्रीम कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। रही बात गेमिंग की, तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड 60 Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाती है, साथ ही में 120 Hz की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है, तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले आपको यहाँ पर कॉन्टेंट वगैरह वॉच करने के लिए डिसेंट मिलती है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास के बारे में। फोन के बैक में लगे हुए हैं 2 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की बात कर ले तो सामने आपको दिया गया है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन का जो कैमरा सेटअप है वो आपको यहाँ पर एवरेज मिलता है, और कैमरा यहाँ पर एवरेज परफॉर्म भी करता है, तो कैमरा से आप यहाँ पर उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट और बैक कैमरा से 30 FPS तक।
इन सभी को चलाने के लिए फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, ये चिपसेट 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की शिकायतें बहुत कम आती हैं। साथ ही में बैटरी बैकअप भी आपको फोन का काफी अच्छा मिल जाता है। रही बात दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो डे टू डे टास्क आप यहाँ पर काफी ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा गेमिंग की बात कर लें तो लगभग आपको यहाँ पर 2.5 से 3.25 लाख के आसपास के स्कोर मिलते हैं, जो कि इस बजट के हिसाब से बहुत अच्छे स्कोर हैं। तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। रही बात गेमिंग की, तो वो भी आप यहाँ पर डिसेंट लेवल की काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। फोन की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए फोन के अंदर UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, जिससे आपको यहाँ पर एप्स लोडिंग टाइम भी फास्ट मिलते हैं और रीड राइट की स्पीड भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस के हिसाब से ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। रही बात फोन के पावर हाउस की, तो फोन के बैक साइड में लगा हुआ है 6000 mAh का बैटरा, जो कि आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से देता है। साथ ही में आपको यहाँ पर 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। तो फोन का बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है। ये अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोस की, तो दोस्तों इस बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलती है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही में दोस्तों स्मार्टफोन का जो बैटरी मॉड्यूल है ये भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। लेकिन अगर कॉन्स की बात की जाए तो बड़ी डिस्प्ले तो दी गई है लेकिन HD+ के साथ में आती है। साथ ही में दोस्तों फोन का जो कैमरा है वो भी एवरेज टाइप का है। और हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये रिसेंटली लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर एंड्रॉयड 12 होना चाहिए था, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर हमें एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है। 4GB RAM प्लस 2GB की वर्चुअल रैम, साथ ही में 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज आपको मिल जाएगी, और इसके लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपये। लेकिन अगर आपने यहाँ पर बैंक ऑफर्स लगा दिए तो ये फोन आपको मिलने वाला सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये की प्राइस पर। और 9,000 रुपये में दोस्तों काफी जबरदस्त फोन है, अगर आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फोन के बारे में। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन सेल वगैरह में काफी अच्छी प्राइस पर मिल रहा था, और अब ये स्मार्टफोन वापस से थोड़ा सा महंगा हो चुका है। लेकिन अगर आप एक अच्छा नॉन चाइनीज फोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इससे बेटर ऑप्शन आपको इस बजट में नहीं मिलने वाला। ये फोन है दोस्तों यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी F22। पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो फोन आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। बाकी रही दोस्तों डिजाइन की बात, तो वो अपना अपना टेस्ट होता है। स्मार्टफोन का डिजाइन आपको कैसा मिलता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी रही फोन के कुछ अदर फीचर्स की बात, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5mm का जैक दिया गया है। फोन के अंदर आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं। और हाँ गाइज, ये फोन आता है ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये फोन आता है वन ऑफ द बेस्ट यूजर इंटरफेस के साथ में, जहां पर आपको मिल जाता है सैमसंग का One UI 3.1, और दोस्तों ये बेस्ड है एंड्रॉयड 11 पर। हालांकि दोस्तों यहां पर आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है, लेकिन मई महीने के आसपास में आपको यहां पर एंड्रॉयड 12 का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। फोन का दोस्तों सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है, आपको यहां पर यूजर इंटरफेस में कोई शिकायत नहीं आती। चलिए अब जान लेते हैं फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। दोस्तों ये फोन आता है 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड पैनल के साथ में, लेकिन आपको यहाँ पर HD+ की रिजोल्यूशन मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, और आपको यहाँ पर मैक्सिमम 600 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है। तो डिस्प्ले दोस्तों अच्छी है, हालांकि Full HD+ होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। रही बात गेमिंग की, तो आपको यहाँ पर 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाती है। ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले मिल रही है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है, तो ओवरऑल डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। रही बात दोस्तों फोन के कैमरास की, तो इस फोन के बैक में लगे हुए हैं 4 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको मिल जाता है 48MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो और 2MP का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ आपको मिलता है 13MP का सेल्फी कैमरा, और ओवरऑल कैमरा सेटअप तो फोन का अच्छा दिया ही गया है। साथ में आपको यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है, डे लाइट में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम Full HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है 30fps तक फ्रंट और बैक कैमरा से। कैमरा मॉड्यूल आपको यहां पर अच्छा मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर आपको दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G80 का चिपसेट, जो कि आपको यहां पर डिसेंट टाइप की गेमिंग करा सकता है, डिसेंट टाइप की परफॉर्मेंस आपको यहां पर मिल जाती है। 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, तो आपको यहां पर हीटिंग वगैरह की शिकायतें थोड़ी मोड़ी रहती हैं, लेकिन दोस्तों ओवरऑल फोन की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो डे टू टास्क मल्टीटास्किंग आप यहां पर आसानी से कर सकते हैं, और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर लगभग 2 लाख के आसपास के अंततः स्कोर मिल जाते हैं, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि आपको यहाँ पर डिसेंट टाइप की गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। इन सभी के अलावा फोन के बैक साइड में लगा हुआ है 6000 mAh का बैटरा, जो कि आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से दे देता है।
साथ ही में ये स्मार्टफोन 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 15 वाट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। बैकअप के हिसाब से आपको यहाँ पर बैटरी मॉडल भी अच्छा मिल जाता है। रही बात फोन के प्रोस की, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाती है। और कॉन्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको नॉर्मल HD प्लस वाली डिस्प्ले दी गई है, जबकि फुल HD प्लस होता तो और ज़्यादा बेहतर होता। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको नॉर्मल टाइप की गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। 4GB रैम प्लस 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको नॉर्मली देने पड़ते हैं 12,000 रुपये। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़े मोड़े बैंक ऑफर्स लगाएं या फिर सेल वगैरह में स्मार्टफोन को परचेस करते हैं तो ये फ़ोन आपको 10 से 10,500 रुपये की प्राइस पर मिल जाता है। और देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ज़बरदस्त फीचर के साथ में आता है। और अच्छी बात है कि एक नॉन चाइनीज़ फ़ोन है, तो अगर आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 4 बेस्ट अल्टीमेट स्मार्टफोन्स जो कि आपको मिल जाते हैं लगभग 10 से 11,000 रुपये की प्राइस पर। और हाँ दोस्तों, सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे दोस्तों आप सभी को इनमें से कौन सा अच्छा लगा वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।